ओके, तो वेलकम बैक एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास अगेन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स आपका जो कंपनी के पावर से बाहर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बनाया गया है एक प्रिंसिपल, एक नियम, एक सिद्धांत, शक्ति बाह्य अधिकारों का सिद्धांत, मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर। इसको वायरस मत समझ लीजिएगा, वायर सही है, वायरस नहीं है, VIRES, ठीक है ना, वायरस है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिए होते हैं और फिर भी कंपनी को उस MOA से बाहर जाकर के काम करने होते हैं, तो उनको हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंतर्गत लाते हैं। तो हर कंपनी के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वर्क हैं, उनको क्लियर और सिंपल उनको उसमें डिफाइन करे। वो आपने देखा कि हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य वाक। और हमने एक चीज और बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर के अगर कोई भी कंपनी काम करती है तो वो काम आपके जीरो माने जाते हैं, शून्य माने जाते हैं, ठीक। लेकिन यदि कुछ काम ऐसे हो जो कंपनी के लिए जरूरी हो और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिए, तो इसको बोलते हैं कि आप जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कुछ काम करते हैं, जो कंपनी के कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करें। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है, जो कंपनी का मिशन, आपने देखा होगा जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाएंगे तो मिशन और विजन लिखा होता है, ऐसे ही आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें उनका मिशन और विजन लिखा होता है। मिशन का मतलब होता है उनका उद्देश्य वाक्य, ठीक। तो अगर उद्देश्य वाक्य क्या करता है, जो कंपनी जो काम करती है उसको डिफाइन करता है, उसके एरिया को डिफाइन करता है। जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है वो कंपनी के फील्ड, उसके वर्क और उसको काम करने की उसको डिफाइन करता है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी किन मिशंस के लिए, किन ऑब्जेक्टिव के लिए एस्टैब्लिश की गई है। और अगर कभी कुछ ऐसा केस होता है
तो अगर कभी कोर्ट में केस होता है तो जो कोर्ट होता है कंपनी द्वारा अगर मिशन स्टेटमेंट से जो बाहर किए गए काम हैं, बाहर किए गए जो मिशन स्टेटमेंट मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिए हुए हैं, ठीक, तो कंपनी मिशन स्टेटमेंट से जो बाहर किए गए काम हैं उन कोर्ट है कंपनी अपने मिशन स्टेटमेंट से जाकर के बाहर काम करती है, तो जो कोर्ट कोर्ट का मतलब न्यायालय कंपनी के उस काम को अल्ट्रा वायस डिक्लेयर
अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स में क्या होता है, अल्ट्रावायर्स में होता है जो कंपनी की शक्ति के बाहर, बाहर शक्ति से परे उसके अंतर्गत काम होता है। और जो इंट्रावायर्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको शक्ति के अंदर ही काम करता है, जो कंपनी एक है उसमें जितने भी नियम है उसके बाहर। और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स में जो उसमें नहीं दिया, जो मिशन स्टेटमेंट आपका है उसमें जो नहीं दिया गया है, अगर उसके बाहर जाकर के जो काम करते हैं तो वो कहलाता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। और जो जो कंपनी एक्ट के नियम है, जो उसका मिशन स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो काम होते हैं वो कहलाता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स। तो जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो इसका इम्पैक्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स का वो देख लेते हैं, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रावायर्स है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स है उसका सबसे पहला है कंपनी बाउंडेड नहीं होती, मतलब कि अगर कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई भी काम होगा तो उस काम के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी, बाउंडेड नहीं होगी। और साथ ही उसके काम का, मतलब कि जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई भी काम किया जाएगा वो शून्य होगा और उसका कोई अप्रूवल नहीं होगा, उसके लिए आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, साथ ही कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि अगर आपने कंपनी के अधिकार क्षेत्र या मिशन स्टेटमेंट के बाहर जाकर के कोई काम किया है तो उस कंपनी के काम के लिए कोई भी केस आप कोर्ट में नहीं कर सकते, और ना ही कंपनी उस काम के लिए दूसरे व्यक्तियों पर, जिन पर कि जिनसे उनके साथ कांटेक्ट है उस पर कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता, कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए जब अगर आप किसी भी कंपनी के साथ अगर ऐसा कांटेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के राइट्स क्या हैं और कंपनी के राइट्स क्या नहीं हैं। कभी कभी अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के साथ ऐसा कोई कांटेक्ट कर लिया जो कि उसके अधिकार क्षेत्र या पार्षद सीमा नियम के बाहर है, तो फिर उसके लिए आप कोई केस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई उसमें लॉस हो गया तो, अगर उसमें कोई लॉस हो गया तो फिर उसके लिए आप कोई केस नहीं कर पाए, ना तो कंपनी आप पर केस कर सकती है ना आप कंपनी पर केस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मिशन स्टेटमेंट दिया होता है उसी के अंतर्गत सारे कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो दूसरी बात कि अगर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स में क्या है कि अगर आप अपनी शक्ति से बाहर काम करते हैं तो कोर्ट में कोई भी केस नहीं बनेगा। साथ ही अगर आपने ऐसा कोई भी कॉन्टेक्ट किया है, मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वायरस नहीं वायर्स है, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के तहत अगर आपने कोई भी कांटेक्ट किया है तो वो इन इफेक्टिव होगा, मतलब कि अप्रभावी, उसका निष्प्रभावी अप्रभावी होगा, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर कंपनी का कोई भी मेंबर चाहे तो, अगर कंपनी का कोई भी मेंबर चाहे तो, अगर कंपनी के राइट क्षेत्र से बाहर कोई दूसरा मेंबर अगर कोई कांटेक्ट कर रहा है तो वो चाहे तो कोर्ट से उसके लिए स्टे ले सकता है या इंजेक्शन ऑर्डर ला सकता है, मतलब कि निषेध आदेश जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर या स्टे आप ला सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही अगर अल्ट्रा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस प्रिंसिपल के तहत कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है कंपनी के नाम से, कंपनी के जो सीमा नियम है उनके बाहर जा करके कंपनी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदी जाती है तो वह कानूनी रूप से कंपनी की होगी, भले ही चाहे उस पर अधिकार प्राप्त करना का, कंपनी का संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार ना हो। मान लीजिए कि जैसे हम हैं और हमने कंपनी के नाम से, मिशन स्टेटमेंट में हमारा नहीं है कि हम प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, लेकिन हमने कंपनी के नाम से एक प्रॉपर्टी क्रय कर ली, खरीद ली, परचेज कर ली, तो फिर वो प्रॉपर्टी कंपनी की ही होगी, भले ही चाहे उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का अधिकार कंपनी का ना हो, अधिकार भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे नाम से, कंपनी के नाम से खरीदी गई है हमने, तो फिर वो कंपनी की ही रहेगी, समझ गए ना। तो इसमें कोई भी, और हाँ, इसको कोई कानूनी रूप से चैलेंज भी नहीं कर सकता है। साथ ही अगर कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की जो कैपिटल है
उसको कोई भी उसका प्रमोटर या उसका मेंबर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको पर्सनल इस्तेमाल के लिए उसका यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी मेंबर या संचालक या प्रमोटर उसका पर्सनली इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा पर्सनली रूप से, ठीक। साथ ही अगर मान लीजिए कि कोई भी मेंबर ऐसा है, कोई भी मेंबर ऐसा है या प्रमोटर ऐसा है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी होती है कि कंपनी का काम सही से करें, अब अगर वो अपने राइट्स कर्तव्यों का ड्यूटीज का सही से पालन नहीं करता है, सही से पालन नहीं करता, और किसी ने उसको लालच दिया या उसने किसी को लालच दिया और उस लालच के तहत उसने कोई कांटेक्ट किसी के साथ कर लिया, तो उसमें कोई भी अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो उससे होने वाले सारी लॉस की जिम्मेदारी उस पर्सनल प्रमोटर की या उस पर्सनल मेंबर की होगी, उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होगा। तो ये इसके डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के कुछ इफेक्ट हैं अगर आप इसके बाहर जाकर के कुछ काम करते हैं तो, ठीक। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स में क्या होगा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स का मतलब होता है, जैसे अल्ट्रा वायर्स में क्या होता है, आप अपने जो सीमा नियम कार्य क्षेत्र है उसके बाहर जाकर के काम करते हैं। सिमिलरली डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स में आप उसके अंदर रह करके काम करेंगे। जो कंपनी एक्ट है, पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत जो काम किए जाएंगे उन्हें कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स या अधिकारों के अंदर। हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, एक तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत किए जाने वाले काम, तो इंट्रा वायर्स द कंपनी एक्ट, ऐसे सभी वर्क जो कंपनी एक्ट की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जाते हैं वे सभी कंपनी एक्ट के अधिकारों के अंदर माने जाएंगे। दूसरा, इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम के अधिकारों के अंतर्गत, इसकी मतलब कि एक तो कंपनी एक्ट हो गया, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो ऐसे सभी काम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के राइट्स के अंतर्गत किए जाते हैं वे इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाएंगे, या हम इसी को बोलते हैं पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कहलाएंगे। तीसरा है आपका इंट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वे सारे काम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स के अंतर्गत किए जाएंगे वो कहलाएंगे इंट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि हमारे पास कंपनी एक्ट के रूल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल के अंतर्गत जितने भी सारे काम होंगे वो आपके डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स कहलाएंगे। और इसके साथ ही जो इससे बाहर होंगे, मतलब कि जो आपके कंपनी एक्ट के बाहर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जो सारे काम होंगे वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहलाएंगे। मतलब कि जिसको बोलते हैं हम शक्ति बाह, शक्ति बाह मतलब कि आपके जो कार्य क्षेत्र, जो फील्ड वर्क है उससे बाहर का जो आप काम करते हैं वो कहलाता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक। तो ये आपका हो गया पूरा डिटेल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब इसका सिंपल सा एक समरी ये देख लीजिए कि जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर के काम होते हैं वो कहलाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर के वर्क होते हैं वो कहलाते हैं आपके डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स, ठीक। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है उसको बोलते हैं शक्ति बाह अधिकारों का सिद्धांत, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स होते हैं उनको कहलाते हैं अधिकारों के अंदर का सिद्धांत, ठीक। इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं वो हमने देख लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है इसका ये देख लिया, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमने देख ली कि क्या कैसे रहा, ठीक। जैसे हमने LIC और लक्ष्मण स्वामी वाला एक केस लिया, इंडिया में सबसे पहले इस सिद्धांत का जो शुरुआत हुई थी 1866 में हुई थी। इसमें एक कंपनी के संचालक ने कंपनी की ओर से दूसरी कंपनी के शेयर को खरीद लिया था जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके अधिकारों में नहीं था, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें वो लिखा नहीं था। तो इसी वजह से मुंबई हाई कोर्ट ने उस प्रमोटर के उस काम को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया था। भाई एक कंपनी का ऑनर था, उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया लेकिन उसके मेमोरेंडम ऑफ उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
वो डिफाइन नहीं था। तो जब वो केस कोर्ट में गया तो मुंबई हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि शक्ति बाह्यकार, जो उस कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करते। और इसी के बाद से एक चीज और करें कि एक लक्ष्मण स्वामी मुदलियर और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बीच का केस था, तो उसमें ये था कि आप चैरिटी में, मतलब कि LIC कंपनी के एक रूल था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में था ये, कि आप चैरिटी के लिए तभी दान कर सकते हैं जब आपकी मिशन स्टेटमेंट या कंपनी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई काम फुलफिल हो रहा हो, मतलब कि आपको मिशन स्टेटमेंट के अंदर हो, कंपनी को कोई बेनिफिट मिल रहा हो। अगर इसके अलावा और कोई चैरिटी का काम करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही LIC के संचालकों ने 2 लाख रुपए एक ऐसे ही चैरिटी फंड को किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए थे, जो ये बताया जाता रहा था कि जो टेक्निकल और जो बिजनेस के नॉलेज है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो लेकिन जब न्यायालय ने ये केस गया तो फिर उन्होंने उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के मालिक ने ये जो पैसा दिया है 2 लाख रुपए, वो कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। वे केवल उसी चैरिटी फंड को दे सकते हैं जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मिशन स्टेटमेंट के तहत दिए हुए हैं। इसके अलावा वो कोई और कहीं भी डोनेट चैरिटी के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, और साथ ही सभी लोग अपना नाम जो है मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, और मैसेज बॉक्स में जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया है उनको छोड़ करके जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा वो अपना नाम प्लीज लिखते हैं। श्रेया, आदित्य, नबील, अन्वेषा, अजय, मुस्कान, आदित्य, रितिका, राशि, इनके अलावा बहुत से लोगों का नाम नहीं लिखा इसमें। सान्या, आपका नाम भी नहीं लिखा। शिवानी, शायद आपका भी नहीं लिखा। यशनी, नंदिनी, खुशी, सब लोग भी अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। नेटवर्क की वजह से हो सकता है पहले आप लोगों ने लिखा हो और ना आया हो, तो इस वजह से आप सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए। नीलेश, आप भी अपना नाम लिख दीजिएगा।